बच्चों, हम लोग आज स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एंटर करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने आइसोमेरिज्म में देख लिया है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। कोई भी स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर में आपस में कंपैरिजन करना है तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होंगे या नहीं होंगे। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उनके बीच में तो किस टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है वो, ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस कर रखी है। इसके अलावा हमने कोई भी sp3 कार्बन का 3D रिप्रेजेंटेशन भी कर रखा है और उसका आपस में इंटरकन्वर्जन भी कर रखा है, राइट? आज हम लोग एंटर करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आपको बताया था मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं। जब भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात आती है आपको दो तरह के स्टीरियो आइसोमर्स मिलते हैं। सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, और जो दूसरे आइसोमर्स आपको मिलते हैं वो मिलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे चुके हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो दो भाग में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। आपको दो टॉपिक्स में पढ़ना है, एक कॉन्फॉर्मेशनल और एक कॉन्फ़िगरेशनल। सबसे पहला पॉइंट जो आता था हमारा वो ये आता था स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कि वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होने चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होने चाहिए का मतलब है कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स एग्जैक्टली हूबहू दोनों एटम में सेम होनी चाहिए। डिफरेंस कहां पे आएगा? स्पेशियल अरेंजमेंट। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ हमारा? कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स इज सेम बट डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये था हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दो तरह के होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। अब बेसिक चीजें समझते हैं कि कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर के बीच में डिफरेंस क्या है। ये चीज समझने के लिए आपको पिछले क्लास में थोड़ा सा 3D रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं। मान लेते हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने पिछले क्लास में देखा था, राइट? ये इसको आप बोल रहे थे 100 हर्ट्ज फॉर्मूला, कुछ भी मान लेते हैं ABCDEF, कोई भी एटम्स मान लेते हैं। अब यहां पर आप क्या कर रहे थे, किसी एक कार्बन को फिक्स कर दे रहे थे। इसको आपने क्या कर दिया था? फिक्स कर दिया था। और इसको आप क्या कर रहे थे? वो एक एटम पकड़ के रोटेट कर रहे थे। यही काम कर रहे थे पिछले क्लास में, चलो फिर से वही काम करके देखते हैं। तो आपने क्या किया, इसको रोटेट किया भाई 60 डिग्री से, आपको क्या मिलेगा? ABC यहां पर जाएंगे। तो जब आप 60 डिग्री से इसको रोटेट करेंगे डी एग्जैक्टली ऊपर आ जाएगा, तो दिस विल बी डी। यहां कहीं पर ई आ जाएगा और यहां कहीं पर एफ आ जाएगा, करेक्ट? तो आपने क्या किया, बेसिकली इस कार्बन को पकड़ के, यहां पर जो कार्बन है इस कार्बन को पकड़ के आपने दूसरे कार्बन के एटम्स को रोटेट किया है, करेक्ट? क्या इस दौरान आपको कोई बॉन्ड तोड़ने या कुछ बॉन्ड ब्रेकेज या फॉर्मेशन की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो ध्यान रखिए, ये भी 100 हर्ट्ज फॉर्मूला है, ये भी 100 हर्ट्ज फॉर्मूला है, लेकिन डिफरेंस कहां पे आ रहा है? स्पेशियल अरेंजमेंट में। कैसे आ रहा है? आप देखिए, यहां पे जो कार्बन और ए का बॉन्ड था उसके जस्ट पीछे,
कार्बन में डी का बॉन्ड है, करेक्ट? कोई दिक्कत इस चीज में? यहां सी के एग्जैक्टली पीछे एफ है, कोई कंफ्यूजन? यहां पर देखेंगे सी के एग्जैक्टली पीछे कोई आइटम नहीं है, सी के एग्जैक्टली ऑपोजिट है डी, ए के पीछे कोई आइटम नहीं है, ठीक है, ए के आगे ई के आगे कोई आइटम नहीं है। तो आप देखें यहां पे एक दूसरे के पीछे पीछे थे आइटम, यहां पे ओरिएंटेशन बिल्कुल चेंज हो गया, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बिल्कुल चेंज हो गया, करेक्ट? कोई दिक्कत इस चीज में? तो ये आइसोमर्स हैं जिसमें व्हेन द अदर आइसोमर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन आइसोमर विदाउट ब्रेकिंग अ बॉन्ड। बिना बॉन्ड तोड़े आप एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में जा रहे हैं, ऐसे आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये किस टाइप का है, स्टीरियो है, स्पेशियल अरेंजमेंट में बस डिफरेंस है, एटम की कनेक्टिविटी हूबहू दोनों में सेम है, डिफरेंस कहां पे आ रहा है? स्पेशियल अरेंजमेंट में। आप क्या कर रहे हैं, एक आइटम को पकड़ के दूसरे के आइटम्स को घुमा रहे हैं, करेक्ट? जब आप घुमा रहे हैं तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, मैंने यहां पे सिर्फ दो स्ट्रक्चर का जिक्र किया है, एक इसका एक इसका, लेकिन इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में अगर बदलना है आपको तो आप क्या कोई बॉन्ड तोड़ रहे? नहीं तोड़ रहे। आपने क्या किया, बस एक को पकड़ के दूसरे को घुमा दिया, आपको दूसरा स्ट्रक्चर अगर ये मिल गया। तो वही कह रहे हैं व्हेन द अदर आइसोमर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन आइसोमर विदाउट ब्रेकिंग अ बॉन्ड, बिना बॉन्ड तोड़े हुए, देन द आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत है इस चीज में? तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है, ये चीज क्लियर है? आप एक बार ये नोट करें, एक और एग्जांपल देते हैं, उससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है। ये भी आपका एक तरह से 100 हॉर्स फॉर्मूला ही मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, जहां पे मैंने हिडन हाइड्रोजन को नहीं दिखाया है, हाइड्रोजन हिडन है जो मैंने आपको नहीं दिखाया है। तो आप देख Cl और Cl के बीच में कुछ डिस्टेंस है, करेक्ट? आप क्या करें, इस Cl को पकड़ के घुमाएं, इस कार्बन को फिक्स करें और इस Cl को पकड़ के घुमाएं। जब आप घुमाएंगे तो आपको क्या ऑब्टेन होगा, Cl Cl इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, इसको L1 बोल देते हैं, इसको L2 बोल देते हैं, करेक्ट? क्या कनेक्टिविटी ऑफ एटम में डिफरेंस आया है? नहीं आया है, कोई डिफरेंस नहीं आया है, दैट मींस ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये चीज क्लियर है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी कैसा आइसोमर है ये पहचानना है आपको, तो आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं पहले स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में आप ऑब्टेन कर रहे हैं, तो क्या आपको कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है? नहीं तोड़ना पड़ रहा। तो ये चीज आसानी से इसमें सिंपल रोटेशन ऑफ बॉन्ड करके ऑब्टेन हो जा रही है, यहां पे कोई ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड नहीं हो रहा है, और जब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड नहीं हो रहा है तो आप इसको क्या बोलेंगे, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इस चीज में? अब समझते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर क्या है।
ये मिटा दिया जाए। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं ये चीज समझते हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल लिया आपने CH3 CH CH CH3, ठीक है, हमने पहले भी ये एग्जांपल कर रखा है, ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, इसके स्ट्रक्चर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं वो देखते हैं। तो CH3 H H CH3 एक ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। अब यहां पर देखें H और H के बीच में डिस्टेंस मान लिया L1, यहां पे H और H के बीच में डिस्टेंस मान लिया L2, तो ये तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि कनेक्टिविटी एटम्स का वो बहुत सेम है, कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं। दैट मींस ये स्टीरियो आइसोमर्स है, ये मेरा पक्का है। अब इस स्टीरियो आइसोमर्स में भी आपसे बोला जाए कि कॉन्फ़िगरेशनल है या कॉन्फॉर्मेशनल, तो आप देखें क्या इस स्ट्रक्चर से आप इस स्ट्रक्चर को ऑब्टेन कर सकते हैं बिना बॉन्ड तोड़े, कर सकते हैं क्या? तो आप खुद से सोचिए, यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है, राइट? डबल बॉन्ड को घुमाना आसान होता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले के एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे थे, कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म देख रहे थे। कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म में क्या था, मेरे पास सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड को हम रोटेट कर पा रहे थे। जब रोटेट कर पा रहे थे तो एक कार्बन को पकड़ा, दूसरे कार्बन के एटम्स को घुमा रहे थे। लेकिन यहां पर हमारे पास दो बॉन्ड है, जब यहां पर दो बॉन्ड है तो रोटेशन कर ही नहीं पाएंगे। रोटेशन करने के लिए आपको बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ड्यू टू डबल बॉन्ड रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? दैट मींस इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। या तो आप ये बॉन्ड तोड़े, पाई बॉन्ड तोड़ा, फिर सिग्मा बॉन्ड आया, आपने रोटेट किया, फिर से पाई बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तब आप इससे यहां पे पहुंच सकते हैं। दैट मींस इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करना है अगर आपको, तो आपको कम से कम एक ना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। दैट मींस अगर एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर ऑब्टेन करने में आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है तो उस आइसोमर को क्या बोलेंगे आप, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर। कोई कंफ्यूजन? इंटरकन्वर्जन में अगर बॉन्ड नहीं तोड़ना पड़ा कॉन्फॉर्मेशन, इंटरकन्वर्जन में बॉन्ड तोड़ना पड़ा कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? इस चीज को नोट डाउन कर लेते हैं। व्हेन अदर स्ट्रक्चर आइसोमर कांट बी ऑब्टेन फ्रॉम वन स्ट्रक्चर विदाउट ब्रेकिंग अ बॉन्ड, बॉन्ड बिना तोड़े एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। इस आइसोमेरिज्म को आप क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। देन इट इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? आपका यहां पे क्या है, आप रोटेट नहीं कर सकते। रोटेट क्यों नहीं कर सकते, ये चीज क्लियर है? आपके यहां पे दो बॉन्ड है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड था, आप इसको आराम से घुमा लेते, राइट? ये मान लेते हैं ये बॉन्ड है,
एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में बॉन्ड है, एक बॉन्ड था आप घुमा ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने एक और बॉन्ड बनाया इस कार्बन के बीच में, आप घुमाने का कोशिश करेंगे तो नहीं घूम रहा है, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो गया, नहीं पॉसिबल है। क्लियर? तो जब भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का केस आएगा, जब आपको एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर ऑब्टेन करने में दिक्कत हो रही है, अगर इंटरकन्वर्ट करना है तो आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, वैसे आइसोमर्स को बोलेंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। और वैसे आइसोमर्स जिसमें आपको बॉन्ड नहीं तोड़ना पड़ रहा है, उन आइसोमर्स को आप बोलेंगे कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला टॉपिक आते हैं कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। उससे पहले हमारे कुछ बेसिक टर्म्स हैं, टर्म्स टर्मिनोलॉजीज हैं, वो हम थोड़ा समझेंगे, तो पहले ये नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉपिक डालेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं जिसका हमें आगे यूज पड़ने वाला है, जिसमें पहला होगा बॉन्ड एंगल। तो बच्चों आप बताइए, हमारा 11th क्लास का टॉपिक था बॉन्ड एंगल केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, वहां पे क्या होता है बॉन्ड एंगल? द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स ऑन द सेम एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। सेम एटम पे दो अलग अलग बॉन्ड के बीच में जो आप एंगल निकालते थे उसी को बॉन्ड एंगल बोलते थे। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं BF3, तो BF3 में आप क्या देख रहे थे? बी है, एफ है, एफ है, एफ है। आपने क्या बनाया है? ओरिजिनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर। यहां पर ये ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, इसके वजह से मैंने इसको ट्रायंगुलर प्लेनर के हिसाब से बताया है। अब किसी भी दो बॉन्ड के बीच में, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मान लीजिए, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, इसी को आप क्या बोलते हो? बॉन्ड एंगल। कोई कंफ्यूजन नहीं, तो बॉन्ड एंगल क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है डाइहेड्रल एंगल, इसको हम लोग टॉर्शनल एंगल भी बोलते हैं। इंटरप्लेनर एंगल इज नोन एज डायहेड्रल एंगल। दो प्लेन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे डायहेड्रल एंगल। आते हैं थोड़ा डिटेल में इसको समझेंगे। इट इज ऑलवेज डिफाइंड व्हेन ए बॉन्ड बी, बॉन्ड सी, बॉन्ड डी टाइप स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। अब इस ए बी सी डी का मतलब क्या है ये थोड़ा समझते हैं। ये आप समझिए, ए बॉन्ड बी, बॉन्ड सी, बॉन्ड डी टाइप स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल वाले टर्म मिटा देते हैं। अब ये क्या है एबीसीडी ये समझते हैं। तो मान लेते हैं एक बुक है, बुक तो आप सबने देख ही रखा होता है, कुछ इस टाइप का बुक होता है
यहां पर इसको आप बंद करते हैं, इसको खोलते हैं, राइट। तो दिस इज योर वन प्लेन, करेक्ट। बुक का प्लेन जो आप पकड़ के घुमा रहे हो वो वाला प्लेन, और एक प्लेन जो बेस नीचे पड़ा होता है। आप कभी भी आप जो नोटबुक में नोट कर रहे हैं उसमें भी देखिए, जब आप खोलते हैं तो एक प्लेन आपके हाथ में होता है जो आप खोल रहे हैं, और एक नीचे पड़ा होता है। तो एक प्लेन और दूसरे प्लेन के बीच में कुछ तो एंगल बन रहा है। जब कॉपी बंद है तो 0 डिग्री, जब कॉपी आपने कंप्लीटली खोल रखी है 180 डिग्री, करेक्ट। इसी एंगल को आप क्या बोलते हैं, डाई हेडरल एंगल, इंटरप्लेनर एंगल जो है वो डिफाइन होता है प्लेन के बीच में। इंटरप्लेनर एंगल को आप डाइहेड्रल एंगल बोलते हो। कोई कंफ्यूजन? अभी लॉजिक क्या है ए बी सी डी टाइप का, तो इसी कंसेप्ट से आया है। मान लेते हैं एक एंड ए हो गया, एक एंड बी हो गया, एक एंड सी हो गया। तो ए बी और सी ये तीन मिला के एक प्लेन बना रहे। देखिए जो नीचे रखा हुआ है वो वाला प्लेन बना रहे, ए बी और सी मिल गए। अब बी सी और डी मिलकर, मान लेते हैं ये डी है, बी सी और डी मिलकर एक दूसरा प्लेन का फॉर्मेशन कर, तो ए बी सी एक प्लेन बनाया, बी सी डी दूसरा प्लेन बनाया। आपको क्या करना है, इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। इस एंगल को आप बोलेंगे डायहेड्रल एंगल। That means इस तरह का फॉर्मेशन कहीं पर भी हो रहा है तभी डायहेड्रल एंगल डिफाइन होगा। ए बी सी डी टाइप बॉन्ड है अगर, स्ट्रक्चर प्रेजेंट है अगर, आप स्ट्रक्चर बनाकर देखें, अगर है ऐसा स्ट्रक्चर दैट मीन्स डायहेड्रल एंगल कैन बी डिफाइन, अदरवाइज डायहेड्रल एंगल कैन नॉट बी डिफाइन। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब यहीं पर मान लेते हैं ये एबीसीडी स्ट्रक्चर है मैंने लिया, तो ए ये था, बी से कनेक्ट हुआ, सी से कनेक्ट हुआ, मैंने क्या किया डी इस साइड कर दिया, तो दोनों प्लेन के बीच में ये बंद किताब हो गई एक तरह से, करेक्ट। तो इसमें डायहेड्रल एंगल कितना बोलेंगे आप, 0 डिग्री, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मान लेते हैं ए है ये, ये बी हो गया, ये सी हो गया, किताब आपने पूरी खोल दी, एक ये प्लेन डिफाइन हो गया, दूसरा प्लेन ये डिफाइन हो गया, डायहेड्रल एंगल क्या होगा इन दोनों के बीच में, तो डायहेड्रल एंगल क्या बोलेंगे आप, 180 डिग्री। क्लियर है? दैट मीन्स डायहेड्रल एंगल आपको काफी हद तक क्लियर है ये क्या होता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? मिटाते हैं। जल्दी फटाफट से नोट करेंगे। नेक्स्ट जो आपको टर्म जानना है वो है एक्लिप्स फॉर्म। एक्लिप्स फॉर्म क्या होता है ये समझे, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए बी सी डी ई एफ, यहां पे देखें एक एटम के पीछे दूसरा एटम छिपा हुआ है, राइट। एक एटम के पीछे दूसरा एटम छिपा हुआ है, सी के पीछे देखें एफ छिपा हुआ है स्ट्रक्चर में, करेक्ट। तब ऐसे स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे एक्लिप्स फॉर्म। कोई दिक्कत किसी को भी? तो एक्लिप्स फॉर्म क्या है, व्हेन वन एटम ग्रुप लाइज एग्जैक्टली बिहाइंड
another group of next atom. तो इस कार्बन पे, इस एटम पे एक ग्रुप है सी, नेक्स्ट एटम देखें ये सी, उस पे एक और ग्रुप है या एटम है एफ, सी के एग्जैक्टली पीछे आ रहा है एफ. ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे? एक्लिप्स फॉर्म. एक्लिप्स फॉर्म क्या होता है, क्लियर है? अब यहां पर देखते हैं इसी एग्जांपल में आप क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं डायहेड्रल एंगल. ये भी कार्बन है आपका, सी डैश मान लेते हैं कार्बन को, या इसको सी डैश मान लेते हैं. तो आपके पास डायहेड्रल एंगल आप डिफाइन करें, तो डिफाइन कैसे करेंगे? सी डैश सी सी, सी डैश सी सी, ये एक डायहेड्रल एंगल, ये एक प्लेन बनाएगा. चलिए इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं, इस टाइप से डिफाइन किया. दूसरा डायहेड्रल एंगल कैसे, दूसरा प्लेन कैसे डिफाइन करेंगे? सी सी एफ, तो सी सी एफ डिफाइन करना है, इसको ऐसे कर लेते हैं. तो एक प्लेन बना रहा है सी डैश सी सी, दूसरा प्लेन बना रहा है सी सी एफ. पहला प्लेन कौन सा हुआ? सी डैश सी सी. दूसरा प्लेन कौन सा हुआ? सी सी एफ. अब इन दोनों के बीच में पूछा जाए आपसे एंगल कितना बन, तो काफी हद तक आप आराम से बता सकते हैं कि अभी किताब बंद है, किताब खुली नहीं, राइट? दोनों सेम इसमें है, सी के एग्जैक्टली पीछे है एफ, दैट मीन्स किताब बंद है, करेक्ट? हमने आपको क्या बोला था, ए बी सी डी, ए के सामने डी आ रहा है, दैट मीन्स किताब बंद है, करेक्ट? तो इसमें डायहेड्रल एंगल क्या होगा आपके हिसाब से? जीरो डिग्री. डायहेड्रल एंगल इज इक्वल टू जीरो डिग्री. कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बोल सकते हैं, सी डैश और एफ के बीच में डिस्टेंस देखें. ये इस फॉर्म में, इक्लिप्स फॉर्म में मिनिमम डिस्टेंस होता है. अगर ये इसको मैं फिक्स कर दूं और इसको हल्का सा रोटेट करूं, हल्का सा, तो आप देखेंगे सी से एफ का डिस्टेंस बढ़ेगा. ये अभी जो डिस्टेंस है ये मिनिमम डिस्टेंस है, रिलेट कर पा रहे? तो नेक्स्ट पॉइंट आप यही लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन या रिलेटिव डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑन consecutive carbons is minimum. The relative distance between atoms groups on consecutive carbon is minimum. Consecutive carbon पे देखें, रिलेटिव डिस्टेंस देखना है बिटवीन ग्रुप्स या एटम्स. तो सी डैश और एफ का रिलेटिव डिस्टेंस कंपेयर करिए, मिनिमम होगा, क्लियर है? तो इसको आप क्या बोलेंगे? एक्लिप्स फॉर्म. देन इट इज नोन एज एक्लिप्स फॉर्म. क्लियर है? इसको एक्लिप्स फॉर्म बोलेंगे. अब आप खुद से सोचें, यहां पर आप घुमा सकते हैं इसको, घुमा के दूसरा स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर सकते हैं. तो एक्लिप्स फॉर्म क्या है? एक कॉन्फॉर्मर है, ठीक है? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता था, जहां पे आप बिना बॉन्ड तोड़े घुमा सकते थे, एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर सकते थे. यहां पर आप क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर है, घुमाएंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो इसको आप क्या बोलेंगे? कॉन्फॉर्मर, काइंड ऑफ कॉन्फॉर्मर. जल्दी से फटाफट नोट करें इसे, फिर हम लोग अगले डेफिनेशन पे आते हैं.
नेक्स्ट आपका जो आता है फोर्थ लिख लेंगे, ये है आपका स्टैगर्ड फॉर्म। ये भी एक तरह का कॉन्फॉर्मर है, पहले एग्जांपल देते हैं उसके बाद उसकी डेफिनेशंस देखेंगे। ए बी सी डी ई एफ, आप देखें यहां पे, यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि सी और डी के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है, बिल्कुल एंटी, बिल्कुल ऑपोजिट साइड है। तो यहां पे हम चेंज क्या कर सकते हैं, व्हेन वन एटम ग्रुप लाइज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू, अनदर ग्रुप ऑफ नेक्स्ट एटम। मतलब देखिए इस कार्बन का सी और नेक्स्ट एटम का डी एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड है, करेक्ट, तो ये क्या हो गया स्टैगर्ड फॉर्म। कोई कंफ्यूजन? अब वापस से वही काम करते हैं, इसको सी डैश मानते हैं, सी हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट आपका डायहेड्रल एंगल के फॉर्म में है, तो डायहेड्रल एंगल देखेंगे। एक ये हो गया डायहेड्रल एंगल, करेक्ट, दूसरा डायहेड्रल एंगल कोई भी देख सकते हैं आप, चलिए मैं यही देख लेता हूं, ए वाला देख लेता हूं। सी डैश सी सी, दूसरा डायहेड्रल एंगल चलिए एफ के साथ देख लेते हैं, क्योंकि आपको ए बी सी डी वाले फॉर्म में देखना होगा, तो देखेंगे कुछ इस टाइप का आ रहा है। यहां पर ध्यान देंगे, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, ये एंगल क्या है 60 डिग्री, आप चाहे तो इसको मेजर कर सकते हैं। तो डायहेड्रल एंगल क्या होगा 60 डिग्री और मल्टीपल, क्या ये आप जब देखेंगे स्ट्रक्चर्स तो आपको और आसानी से क्लियर होता जाएगा। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट रिलेटिव डिस्टेंस के टर्म्स में आप डिफाइन करें, तो रिलेटिव डिस्टेंस के टर्म्स में यहां सी डैश था, यहां डी था, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, करेक्ट, इससे ज्यादा दूर सी और डी जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, राइट। तो द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ग्रुप्स ऑन कंसेक्यूटिव कार्बन इज मैक्सिमम, देन इट इज नोन एज स्टैगर्ड फॉर्म। तो इस टाइप के फॉर्म को आप क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? आप जल्दी से नोट करें, अगर इसी को आप न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला के फॉर्म में दिखाएं तो क्या दिखाएंगे, ए बी सी पीछे वाले कार्बन पे, डी ई एफ, आपको यही तो बोला था, एक एग्जैक्टली पीछे डी आएगा, एक आइटम के एग्जैक्टली पीछे दूसरा आएगा, बोला था। डायहेड्रल एंगल कितना बोला था, 0 डिग्री, तो ए सी सी डिफाइन कर लीजिए या डी सी सी डिफाइन कर लीजिए, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, एक्लिप्स्ड फॉर्म। कोई कंफ्यूजन? इसी तरह से स्टैगर्ड फॉर्म आप दिखा सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये क्या होगा स्टैगर्ड फॉर्म हो गया, और ये जो एंगल आप दिखा रहे हैं यही आपका रिप्रेजेंट करता है डायहेड्रल एंगल। कोई कंफ्यूजन? जल्दी से नोट करेंगे, ये स्टैगर्ड फॉर्म हो गया,
बेटा है नेक्स्ट आता है आपका स्क्यू फॉर्म, आई बिलीव फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है स्क्यू फॉर्म। तो स्क्यू फॉर्म भी क्या है, टाइप ऑफ कंफॉर्मर है। और इसके डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं, ऑल अदर कॉन्फॉर्मर्स। Then, yeah, all other conformers except eclipsed or standard form is known as skew form. That means eclipsed form जिसमें dihedral angle आपका 0 degree था, staggered form जिसमें dihedral angle आपका 60 degree था या उसका multiple था, इन दोनों के अलावा कोई भी form आपको मिले उस form को आप क्या बोलेंगे, skew form। कोई confusion है इस चीज में? नहीं। जब हम लोग conformational isomerism को detail में देख रहे होंगे तो आपको ये चीजें बहुत frequently मिलेंगी, जिसके basis पे हम आगे बढ़ाएंगे अपने topic। अभी के लिए clear है? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन क्या होता है, द स्ट्रेन डेवलप इन अ मॉलिक्यूल। द स्ट्रेन डेवलप इन अ मॉलिक्यूल व्हेन बॉन्ड एंगल डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बॉन्ड एंगल। क्लियर है? तो ये एंगल स्ट्रेन का मतलब क्या है? एंगल स्ट्रेन कहना क्या चाह रहा है, स्ट्रेन डेवलप। स्ट्रेन वही चीज है जैसे आपको अगर उलट पुलट के रख दिया जाए, वैसे ही जो दर्द, स्ट्रेन जो दर्द, जो अनस्टेबिलिटी डेवलप होती है इन अ मॉलिक्यूल व्हेन बॉन्ड एंगल डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बॉन्ड एंगल। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड एंगल फॉर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज इक्वल टू 109 degree 28 minutes। करेक्ट। अब आप क्या करें, मान लेते हैं एक, चलिए बना ही लेते हैं कुछ, मान लेते हैं ये sp3 है। तो बॉन्ड एंगल आइडियल केस में कितना होना चाहिए था, 109 degree 28 minutes। लेकिन आप क्या करें, इस बॉन्ड को दबाएं, जो बॉन्ड एंगल है इसको इस टाइप से रखें दैट बॉन्ड एंगल डेविएट कर जाए। रियल बॉन्ड एंगल मान लिया आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें बॉन्ड एंगल आया आपको 115 degree। अब 115 डिग्री का क्या मतलब है, आइडियली होना चाहिए था 109 degree 28 minutes, लेकिन आपने क्या किया, उसको पकड़ के और बड़ा कर दिया।
अब जब उसको और बड़ा करेंगे तो उसमें दिक्कतें डेवलप होंगी, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहा है, कुछ उसको दिक्कत हो रही है, तभी वो अपना बॉन्ड एंगल बढ़ाया है। क्लियर है? तो इसी स्ट्रेन को, इसी दिक्कत को हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। क्लियर? तो यहां पर क्या डेवलप हो रहा है, एंगल स्ट्रेन इज डेवलप। अब आप खुद से सोचिए, स्ट्रेन आपके ऊपर नहीं रहे तब आप ज्यादा स्टेबल होंगे, या स्ट्रेन है तब आप ज्यादा स्टेबल होंगे? आप खुद से बोलेंगे, सर मेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई स्ट्रेन नहीं होगा, तब हम ज्यादा स्टेबल रहेंगे, ज्यादा खुश रहेंगे। अगर मेरे पे कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेन है, तो हम उतना स्टेबल नहीं रहेंगे। वही चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉलो करता है। तो आप इसके बेसिस पे कह सकते हैं, हाइयर द एंगल स्ट्रेन, हाइयर इज द एनर्जी। हाइयर एनर्जी का मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी है तो स्टेबिलिटी उतना कम। आपको पहले ही पता है, जिसका एनर्जी ज्यादा उसका स्टेबिलिटी कम। तो लोअर इज द स्टेबिलिटी। क्लियर है? अब इसी के अकॉर्डिंग, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी देखें, मान लेते हैं आपको स्टेबिलिटी देखना है, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, आपको इनके बीच में स्टेबिलिटी देखना है। तो इसमें एंगल कितना है, 60 डिग्री। आइडियली होना कितना चाहिए था, देखिए sp3 है, एक कार्बन दूसरा कार्बन, दो हाइड्रोजन होगा, sp3 है, 109 डिग्री, 28 मिनट होना चाहिए था, है कितना, 60 डिग्री। बहुत ज्यादा डेविएशन आ गया, जब बहुत ज्यादा डेविएशन आ गया तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया। यहां पर देखें साइक्लोब्यूटेन, सेम तरह से 109 डिग्री से 90 डिग्री पे आ गया, एंगल स्ट्रेन हाई है, लेकिन इससे कम एंगल स्ट्रेन है, साइक्लोप्रोपेन से कम एंगल स्ट्रेन है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। उसी तरह से ये ज्यादा स्टेबल हो गया, उसी तरह से ये ज्यादा स्टेबल हो गया। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर ये इसमें तो 120 डिग्री है दिख रहा है, और 120 डिग्री भी बहुत हाई एंगल स्ट्रेन होता है, 109 से 11 डिग्री दूर जा रहा है। तो आपको यहां पे बता दें कि साइक्लोहेक्सेन अलग तरह से कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म शो करता है, जो हम लोग एक क्लास या नेक्स्ट क्लास में आएंगे उस टॉपिक। ये क्या होता है, दो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। इसको हम चेयर फॉर्म बोलते हैं और इसको हम बोट फॉर्म बोलते हैं। और इन दोनों केसेस में बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। दैट मींस देयर इज नो डेविएशन इन बॉन्ड एंगल। दैट मींस एंगल स्ट्रेन इन दोनों केस में क्या होगा, जीरो होगा। जब कोई डेविएशन ही नहीं है बॉन्ड एंगल में, तो आपकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो गई। दैट्स व्हाट आवर पॉइंट इज। तो यही देखिए, हायर द एंगल स्ट्रेन, हायर द एनर्जी, लोअर द स्टेबिलिटी। तो यहां पर जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, उतना ज्यादा एनर्जी है, उतना कम स्टेबिलिटी। कोई कंफ्यूजन? दैट मींस इस चीज को आपको याद रखना है, ये बार बार ये चीज नहीं बताई जाएगी। एक अलग से छोटा सा टॉपिक आता है एंगल स्ट्रेन थ्योरी करके। एंगल स्ट्रेन थ्योरी का यही कहना है, जो मैंने यहां पे पॉइंट लिखा है, कि एनी डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी। यही है आपका एंगल स्ट्रेन थ्योरी का, जिसके वजह से आगे ये पता चलता है साइंटिस्ट को कि अच्छा, ये ज्यादा स्टेबल आ रहा है तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, प्लेनर नहीं हो सकता है, इसको और फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए। और तभी हम कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म मिले।
उस चीज के में हम लोग डिटेल में बाद में जाएंगे, अभी के लिए बस इतना समझें कि ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, दिस इज माय ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? तो ये था हमारा एंगल स्ट्रेन। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, एक बार ये नोट करें फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सिक्स मेंबर्ड कार्बन रिंग इज मोस्ट स्टेबल, तब फाइव मेंबर्ड, तब फोर मेंबर्ड, तब थ्री मेंबर्ड। क्लियर है? क्यों ऐसा दिक्कत आ रहा है? क्योंकि एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है थ्री मेंबर्ड में, और सिक्स मेंबर्ड में निग्लिजिबल जीरो है। क्लियर? नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो है वैंडरवॉल स्ट्रेन। वैंडरवॉल स्ट्रेन को ही हम लोग स्टेरिक रिपल्शन भी बोलते हैं, या स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलते हैं। तो ये है क्या? द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ ग्रुप और एटम ऑन एडजेसेंट एटम्स इज कॉल्ड वैंडरवॉल स्ट्रेन या स्टेरिक रिपल्शन या स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये क्या कहना चाह रहा है ये थोड़ा समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ ग्रुप और एटम। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एक ग्रुप हो, वो किन चीजों से बना होता है? जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। अब कोई भी ग्रुप आएगा तो उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो बहुत मेजॉरिटी एरिया कवर कर रहा है, मेजॉरिटी वॉल्यूम कवर कर रहा है। तो आपको क्या प्रतीत होगा, क्या दिखेगा कि एक बहुत बड़ा क्लाउड है? किसका क्लाउड है? इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि न्यूक्लियस तो बहुत छोटा वॉल्यूम कवर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा वॉल्यूम कवर करते हैं। तो आपको क्या दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड है। अब इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का क्लाउड है, करेक्ट। अब मान लेते हैं दूसरा ग्रुप आया, वो भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। जब दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास पास होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिव चार्ज, दोनों में आपस में क्या होगा? रिपल्शन। उसी रिपल्शन को हम क्या बोल रहे हैं? वैंडरवॉल स्ट्रेन। क्लियर? कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये सी एस थ्री, एक और सी एस थ्री है। आई होप स्ट्रक्चर का आपको मतलब क्लियर है। यहां पे हाइड्रोजन मैंने हिडन कर रखा, दैट मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स एक्लिप्स फॉर्म। अभी सी एस थ्री क्या है? एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। ये सीएसटी भी बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव काफी पास है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दिस रिपल्शन विल बी कॉल्ड वैंडरवॉल स्ट्रेन या स्टेरिक रिपल्शन। क्लियर? अब आप खुद से सोचे, यहां सी एस थ्री के जगह पे सी टू एच फाइव होता और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते, और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते तो और रिपल्शन होता, और रिपल्शन होता तो और स्ट्रेन डेवलप होता। क्लियर? तो जैसे जैसे एटम या ग्रुप का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगा।
तो इस पॉइंट को भी मेंशन कर लेते हैं, हायर द साइज ऑफ ग्रुप, हायर विल बी द वैंडरवॉल स्ट्रेन. क्लियर? वैंडरवॉल स्ट्रेन क्या होता है? जब दो ग्रुप आपस में एक दूसरे से को रिपेल करते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट करते हैं. जितना बड़ा ग्रुप उतना ज्यादा रिपल्शन, वही चीज है वैंडरवॉल स्ट्रेन. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है टॉर्शनल स्ट्रेन. मिटाते हैं. स्ट्रेन डेवलप इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन adjacent atoms. वैसा स्ट्रेन जो डेवलप होता है एक मॉलिक्यूल में. क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर से रिपल्शन होता है adjacent atoms. कहना क्या चाह रहे हैं फिर से वही चीज आपको बताते हैं. CH3 है ये CH3 ये CH3 को आपस में रिपेल कर रहा था, इसको हम बोल रहे थे स्टेरिक हिंड्रेंस वैंडरवॉल स्ट्रेन. लेकिन ध्यान देंगे ये जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड भी तो बॉन्ड पेयर से ही बना होगा, ये बॉन्ड भी दो इलेक्ट्रॉन से ही बना होगा. इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के पास आया होगा रिपल्शन. जब ये रिपल्शन होगा तो इसी रिपल्शन को हम बोलेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन. क्लियर है? अब आप खुद से सोचिए टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम किस कंफॉर्मर में होगा. जाहिर सी बात है एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड में दोनों बॉन्ड पेयर सामने सामने रहते हैं. मिनिमम किस कंफॉर्मर में होगा? स्टैगर्ड, क्योंकि मैक्सिमम दूरी रहती है. दैट मींस यहां पे मेंशन करना जरूरी है कि टॉर्शनल स्ट्रेन TS बोल देते हैं इसको, इज मिनिमम फॉर स्टैगर्ड फॉर्म एंड मैक्सिमम फॉर एक्लिप्स फॉर्म. मिनिमम किसके लिए होगी? स्टैगर्ड फॉर्म के लिए. और मैक्सिमम किसके लिए होगी? एक्लिप्स फॉर्म के लिए. एक्लिप्स फॉर्म में दोनों सामने सामने रहते हैं, रिपल्शन ज्यादा हो. एक्लिप्स फॉर्म में दोनों दूर दूर हो जाते हैं, मैक्सिमम दूरी होती है दोनों बॉन्ड के बीच में, तो रिपल्शन मिनिमम. क्लियर है टॉर्शनल स्ट्रेन भी? नेक्स्ट हमारा जो टर्म आता है वो है टॉर्शनल एनर्जी या रोटेशन एनर्जी या रोटेशन बैरियर. ये क्या होता है? द मिनिमम एनर्जी required, the minimum energy required to transform
या टू अचीव। सेकेंड कॉन्फॉर्मर या टू अचीव अदर स्टेबल कॉन्फॉर्मर फ्रॉम इनिशियल स्टेबल कॉन्फॉर्मर। क्या कहना चाह रहा है ये थोड़ा समझ। मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ एफ, ठीक है। आप यहां पे क्या कर रहे हैं इस चीज को ध्यान दें, आप आगे वाले एटम को फिक्स कर रहे हैं, फॉर फ्रंट वाले को फिक्स कर रहे हैं, पीछे वाले को रोटेट कर रहे हैं। तो पीछे वाले को मान लेते हैं डी को पकड़ के घुमा रहे हैं, अभी के लिए 60 डिग्री से घुमाया तो आपको क्या मिलेगा, ए बी सी, सी के पीछे डी आ गया, बी के पीछे ई आ गया, ए के पीछे एफ आ गया, करेक्ट। अब इन दोनों में कंपेयर करें, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आप देखिए ए के पीछे एफ है, वैंडरवॉल स्ट्रेन हाईएस्ट होगा, दो बॉन्ड भी आमने सामने हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन भी हाईएस्ट होगा, तो ये लेस स्टेबल है, ये हाई स्टेबल है, तो मोर स्टेबल लेस स्टेबल। अब वापस से वही काम करेंगे, आप 60 डिग्री से रोटेट करेंगे, डी को पकड़ेंगे 60 डिग्री से रोटेट करेंगे, तब आपको क्या अचीव होगा, ए बी सी, यहां पर डी आ गया, ई एफ, ये स्ट्रक्चर आ गया। अब ये स्ट्रक्चर वापस से क्या है, स्टैगर्ड है, ये क्या था स्टैगर्ड, ये एक्लिप्स्ड, ये क्या था स्टैगर्ड, लेस स्टेबल था, ये मोर स्टेबल था, वो वापस से क्या हो गया मोर स्टेबल हो गया। तो इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए आपको एक अनस्टेबल फॉर्म से गुजरना पड़ रहा है, आपको एक अनस्टेबल फॉर्म एक्लिप्स फॉर्म से गुजरना पड़ रहा है, राइट। दैट मींस इस स्ट्रक्चर से आप वापस इस स्ट्रक्चर पे पहुंच रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को होते हुए ये मान लेते हैं एक्लिप्स है, ये आपका क्या है स्टैगर्ड है। दैट मींस यहां से वापस स्टेबल फॉर्म से वापस स्टेबल फॉर्म में पहुंचने के लिए आपको इतना एनर्जी और देना पड़ा, करेक्ट। तो यही एनर्जी क्या कहलाएगा, टॉर्शनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी या रोटेशन एनर्जी, क्लियर। डेफिनेशन क्या है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू अचीव अदर स्टेबल कॉन्फॉर्म, एक स्टेबल कॉन्फॉर्मर से दूसरा स्टेबल कॉन्फॉर्म फ्रॉम इनिशियल स्टेबल कॉन्फॉर्म इज नोन एज टॉर्शनल एनर्जी। आई होप काफी हद तक आपको सारे टर्म्स क्लियर होंगे, ये थे हमारे बेसिक चीजें। अब हम लोग जो है इंटर करने जा रहे हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जल्दी से नोट करेंगे। ये थी बच्चों अभी तक हमारे बेसिक चीजें, अब हम लोग एंटर करने जा रहे हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। टॉपिक लिखेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इस चीज को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें जानते हैं, जैसे सिग्मा बॉन्ड हैज सिलिंड्रिकल सिमेट्री ड्यू टू विच रोटेशन
along a sigma bond is possible. बच्चों थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस भी किया था, मान लेते हैं ये सिग्मा बॉन्ड है तो इसके क्रॉस रोटेशन पॉसिबल होता है. सिलेंड्रिकल सिमेट्री क्या होता है, रोटेशन कैसे पॉसिबल होता है, ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में पहले भी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, राइट. तो हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं. मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर एक, इसको आप बोलेंगे स्ट्रक्चर वन. वापस से नाम दे देते हैं एबीसी डीई एफ. तो ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है. दिस इज व्हाट, सिग्मा बॉन्ड. अकेला सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसके अक्रॉस रोटेशन पॉसिबल. क्लियर. तो आप क्या करते हैं, एक को पकड़ते हैं, दूसरे को घुमाते हैं. जब आप घुमाते हैं तो आप क्या देखते हैं, डी एफ ई. कोई और स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, करेक्ट. ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, इसके कंपैरिजन में आपने क्या किया, डी को पकड़ के 60 डिग्री से घुमा दिया. क्लियर. फिर आपने इससे क्या किया, वापस से डी को 60 डिग्री से घुमा दिया. क्या मिलेगा आपको, ई एफ डी, ये स्ट्रक्चर मिलेगा. इसको स्ट्रक्चर टू बोल देते हैं, इसको स्ट्रक्चर थ्री बोल देता है. अब खुद से सोचिए आप, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है. सबसे बेसिक तो स्टेबिलिटी का ही डिफरेंस है. आपको अभी बताया था मैंने क्या क्या, दो तीन तरह के स्ट्रेन बताए थे. इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन नेग्लिजिबल, वैंडरवाल स्ट्रेन नेग्लिजिबल, इसमें दोनों हाई है. टॉर्सनल स्ट्रेन क्यों, क्या होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में. वैंडरवॉल क्या होता है, ग्रुप और ग्रुप के बीच में, दोनों इसमें हाई है. तो सेम मॉलिक्यूल के रोटेशन के वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी अलग अलग है. इसी एग्जिस्टेंस को हम बोलते हैं कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म और अलग अलग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मर्स. कोई दिक्कत. तो सिग्मा बॉन्ड हैज सिलिंड्रिकल सिमेट्री ड्यू टू विच रोटेशन अलोंग अ सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल. ठीक है, ड्यू टू विच मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेबिलिटीज आर ऑप्टिम. अलग अलग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं डिफरेंट स्टेबिलिटी के, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा, ये फिर से ज्यादा स्टेबल होगा. तो रोटेशन की वजह से क्या हो गया, अलग अलग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं अलग अलग स्टेबिलिटी के. क्लियर. दिस एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म. तो कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, एग्जिस्टेंस बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का जो कि एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ सिग्मा एंड द इंडिविजुअल
structures are called conformers. कोई कंफ्यूजन है? मेरे हिसाब से काफी हद तक क्लियर है. कल से, पिछले क्लास से हमने इसके बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है, कैसे रोटेट होता है, ये सारी चीजें आपको पता है. अब हर रोटेशन वाले स्टेप को क्या बोलते हैं, रोटेशन के फॉर्म को, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कैसे रोटेट करता है, उस एग्जिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी. कोई दिक्कत है इस चीज में? तो ये है आपका बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म या कॉन्फर्मर्स. ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपके सामने वो है कि किसी भी स्ट्रक्चर के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब कितने कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं. टॉपिक लिखेंगे नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स. कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स अगर होंगे तो कितने होंगे, इसको समझना बहुत आसान है. मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर लिया A, B, C, D, E, F. D को पकड़ के 60 डिग्री से घुमाया तो मेरे को एक स्ट्रक्चर मिला A, B, C, D, ये स्ट्रक्चर मिला. स्ट्रक्चर वन में इसको बोल देता हूं, इसको स्ट्रक्चर बोल देता. मैं आपसे पूछूं कि कितने कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके? आप बोलेंगे सर दो ही दिख रहे हैं, दो ही एग्जिस्ट करें. लेकिन आपको यह चीज ध्यान देना चाहिए कि मैंने आपको एंगल स्पेसिफाई कर दिया, 60 डिग्री से रोटेट कर रहा है. कोई और आएगा वो आपको बोलेगा कि सर आप 5 डिग्री से रोटेट करो, 5.5 डिग्री से रोटेट करो, 5.55 डिग्री से रोटेट करो, 5.555 डिग्री से रोटेट करो. तो हर केस में आपको अलग अलग स्ट्रक्चर मिलते जाएंगे डिपेंडिंग ऑन एंगल. 0 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स हो सकते हैं. इस चीज में कोई दिक्कत है? नहीं. जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स हो सकते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, राइट? बिल्कुल करेक्ट. दैट मींस 60 डिग्री से हम घुमा रहे हैं, दैट मींस हम जो दिखा रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेबल कॉन्फर्मर्स दिखा रहे हैं. हो बहुत सारे सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हम आपको प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेबल वंस, या जो हमें देखना है, पढ़ना है, जो हमारे इंटरेस्ट का है, सिर्फ वही चीज है. क्लियर? दैट मींस नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स इज ऑलवेज इंफिनिटी. कोई भी केस हो, नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स जब भी होंगे, अगर कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म हो रहा है तो आप हमेशा बोलेंगे नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स कितने होंगे, इंफिनिटी. ठीक है, जितने एंगल्स आप डिफाइन करेंगे उतने आपको कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स. कोई कंफ्यूजन? All conformers are in state of rapid equilibrium and are always interchangeable. एक दूसरे में हमेशा इंटरचेंज होते रहते, तो किसी एक को एग्जैक्टली सेपरेट आउट करना भी डिफिकल्ट, किसी एक कंफर्मर को अलग से निकालना भी
डिफिकल्ट है, नहीं हो सकता है, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. क्लियर है? सेपरेशन ऑफ कॉन्फॉर्मर्स इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. कोई कंफ्यूजन? तो ये था आपका नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन आइसोमर्स. अब हम आते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कॉन्फर्मेशन आइसोमरिज्म शो करेगा, कौन सा स्ट्रक्चर कॉन्फर्मेशन आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा. पहले से नोट करेंगे. तो हमारा टॉपिक है कंडीशन टू शो कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. आपको कैसे पता चलेगा कि कोई स्ट्रक्चर कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, दो कंडीशन में आपको दूंगा. पहला, डायहेड्रल एंगल कैन बी डिफाइंड. डायहेड्रल एंगल डिफाइन होना चाहिए. अब डायहेड्रल एंगल कब डिफाइन होता है, ये आपको पहले ही बताया है, ए बी सी डी टाइप स्ट्रक्चर मस्ट एग्जिस्ट. इस टाइप का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा तभी आप बोलेंगे डायहेड्रल एंगल एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा. नेक्स्ट, दूसरा चीज क्या है कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म के लिए, आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, रोटेशन पॉसिबल होना चाहिए. तो फ्री रोटेशन अलोंग अ बॉन्ड मस्ट बी पॉसिबल. या कह सकते हैं रोटेशन मस्ट नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड. रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए. यही दो कंडीशन है, यही दो कंडीशन आपकी डिफाइन करेंगे कि भाई मेरा कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा. एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं NH3, NH3 कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, NH3 का स्ट्रक्चर बनाएं. ये NH3 का स्ट्रक्चर. अब आप ABCD टाइप स्ट्रक्चर डिफाइन करने का कोशिश करेंगे. इसको A बोल देते हैं मान लीजिए, तो ये N से जुड़ा हुआ है, N को B बोल देंगे. ये N किसी H से जुड़ा हुआ है, चलिए इसको C बोल दिए. ये सी किसी डी से नहीं जुड़ा हुआ है, ये चीज नहीं आ रही. दैट मींस आपका डायहेड्रल एंगल डिफाइन नहीं हो रहा है. जब डायहेड्रल एंगल डिफाइन नहीं हो रहा है तो NH3 कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखेंगे H2O, स्ट्रक्चर बना लिया आपने. तो आप देखेंगे ABCD टाइप एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको A मान लिया, B है, C है, D है, एग्जिस्टेंस है. तो डायहेड्रल एंगल आप डिफाइन कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो. अब फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो आपको बोला है जब भी सिंगल बॉन्ड रहेगा फ्री रोटेशन करेगा. राइट, सिंगल बॉन्ड ओपन चेन में हमेशा फ्री रोटेशन करेगा. दैट मीन यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, H2O2 आपका कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं C2H2 का. इसका भी स्ट्रक्चर बनाइए, HCH. यहां पर भी देखिए ABCD डिफाइन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, करेक्ट. लेकिन ये स्ट्रक्चर लीनियर है, आप एक ही प्लेन डिफाइन कर पाए, दो प्लेन डिफाइन नहीं कर. दूसरा दिक्कत इसमें क्या आएगा कि फ्री रोटेशन इसमें नहीं पॉसिबल है. आपको क्या बोला है, सिंगल बॉन्ड के अलावा रोटेशन पॉसिबल होता है. यहां पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड.
तो इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स ये आपका कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. क्लियर है? इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, आपको ये पता करके बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सा मॉलिक्यूल कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा. क्लियर है? बहुत आसान सवाल है, आपको बस ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है और बताना है कौन सा स्ट्रक्चर कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा. तो हम लोग यहीं तक रखेंगे. इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे जाएंगे. जैसे आपके सिलेबस में है इथेन का स्ट्रक्चर, इथेन के कॉन्फॉर्मर्स, ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मर्स, और थोड़ा बहुत जो हमारे एडवांस के सिलेबस में है वो है साइक्लोहेक्सेन के बारे में, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टेबिलिटी कैसे होती है. तो वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे. अभी के लिए नोट करें, कुछ होमवर्क्स आपको देते हैं, वो होमवर्क पे आप दिमाग लगाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. नोट करेंगे. तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन, जो आपका होमवर्क है यही क्वेश्चंस आपको करने हैं. क्वेश्चंस आपको एक बार बता देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल एग्जिबिट कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म. इन सारे में से आपके पास 6 ही ऑप्शन है. इन सारे ऑप्शंस में से कौन कौन से कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे ये आपको प्रेडिक्ट करके बताना है. कंडीशंस आपको बता रखी है, आप बस उन दोनों को अप्लाई करें, आपको आराम से पता चल जाए. ठीक है? और ये ध्यान रखेंगे, देखिए आपको सब कुछ तभी सीखेंगे जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे. तो क्वेश्चंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है. कोई भी बुक आप उठा के बना सकते हैं, इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉइंट है कि क्वेश्चन बनाना है. तो क्वेश्चन बनाए, आप ये सबमिट करें, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में इसके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मिलते हैं. चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही.